फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू क्लासेस। अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 26 के बारे में, जिसके अक्सर 26 ए अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 7 तो डिस्कस कर लिया था, इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपको गिवन क्या है कि डेराइव द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट ट्वाइस एज फॉर फ्रॉम -2, 3, 4 एज फ्रॉम 3, -1, -2। यानी आपको एक पॉइंट गिवन है, ये पॉइंट P ले लेता हूं मैं, जिसके कोऑर्डिनेट है x, y, z। इस पॉइंट की लोकस इक्वेशन फाइंड आउट करना है। कब? जब ये पॉइंट एक पॉइंट एज फार फ्रॉम -2, 3 और 4 और एक पॉइंट ये B, जिसके कोऑर्डिनेट है 3, -1 और -2। ठीक है, क्वेश्चन की थीम समझना कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का लोकस पॉइंट फाइंड आउट करना है और ये पॉइंट इस पॉइंट से और इस पॉइंट से एक रिलेशन आपको गिवन है। कि क्या गिवन है? कि ये वाली डिस्टेंस PA ये किसकी इक्वल है? इस डिस्टेंस की डबल की इक्वल है। ठीक है ना, ट्वाइस एज फार कि 2PB के इक्वल है। बस इस इक्वेशन का अपन यूज करेंगे यहां पे। PA क्या है? आपकी डिस्टेंस है। तो सबसे पहले तो डिस्टेंस फॉर्मूले से इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लो। ठीक है ना, तो देखो डिस्टेंस फॉर्मूला आप जानते हो, मैं यहां पे लिख देता हूं, सब में यूज ही होगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा 3D का? कि x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर और z1 - z2 का होल स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला। वैल्यू में पुट करूं तो सबसे पहले इस PA की वैल्यू में फाइंड आउट करूं तो PA इक्वल टू रूट ऑफ, ठीक है ना, इस PA की वैल्यू, ये डिस्टेंस, तो x माइनस ये वैल्यू, x माइनस -2 है तो ये +2 का होल स्क्वायर, फिर y -3 का होल स्क्वायर, फिर z-4 का होल स्क्वायर, ये मैं इसको लिख सकता हूं, इक्वल टू फिर 2 into PB की जो वैल्यू में फाइंड आउट करूं तो रूट ऑफ x-3 का होल स्क्वायर, y-1 है तो +1 का होल स्क्वायर, फिर z-2 है तो -2 का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हो। इस पूरे का मैं स्क्वायर कर दूं तो ये रूट हट जाएगा, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है ना, आप लिखो तो लिख देना यहां पे लिख देना स्क्वायरिंग बोथ साइड, आपकी वैल्यू आ जाएगी, इसका स्क्वायर करो तो x+2 का होल स्क्वायर, फिर y-3 का होल स्क्वायर और z-4 का होल स्क्वायर, और ये रूट स्क्वायर करते ही हट जाएगा। इसका स्क्वायर कितना? 4, और इस पूरे रूट का स्क्वायर करूं तो हट जाएगा ये पूरा, तो x-3 का होल स्क्वायर, फिर y+1 का होल स्क्वायर, फिर z+2 का होल स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू इसकी आ जाएगी। अब इसको मैं ओपन करूं, a+b का होल स्क्वायर यहां पे अप्लाई करें तो इसका स्क्वायर 2 into दोनों का मल्टीप्लाई, इसका स्क्वायर कितना? x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना? 4, प्लस 2 into दोनों का मल्टीप्लाई कितना? 4x। इसको मैं सोल्व करूं तो y स्क्वायर, -3 का स्क्वायर करो तो 9, और फिर -2 into दोनों का मल्टीप्लाई कितना? 6y। इसमें भी अप्लाई कर दो z स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 2 into दोनों का मल्टीप्लाई कितना? 8z इक्वल टू 4 into, इसको ओपन करो, ये x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 -6x, y का स्क्वायर +1 और माइनस यानी +2y, और इसको ओपन करो तो z स्क्वायर +2 का स्क्वायर 4 और फिर +4z, ये वैल्यू इसकी आ गई। इसी को मैं लिख सकता हूं 4 से मल्टीप्लाई करके, इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये वैल्यू तो आपकी x स्क्वायर
और फिर देखो ये प्लस का वाई स्क्वायर और फिर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 6y और माइनस का 8z प्लस ये 4 और ये आपका 9 ये प्लस का 16 इक्वल टू इस 4 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो 4x स्क्वायर प्लस 4z y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर। अब इस 4 को मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस का 24x और इस 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो वैल्यू आएगी आपकी प्लस का 8y और इस 4 को मैं इस 4z से मल्टीप्लाई कर दूं तो 16z ये आ जाएगा। अब इस 4 को इस 9 से मल्टीप्लाई करूं तो 936 और इस 4 को इस 1 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 4 और इस 4 को इस 4 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 16 ये वैल्यू आपकी यहां से आ जाएगी। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है उनको मैं कैंसिल आउट करूं ये 4 से ये 4 कैंसिल आउट और ये 16 से ये 16 कैंसिल आउट। एक चीज तो हो गया इतना और कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है ठीक है ना, कट तो रहा है कुछ ना कुछ, चलो कट जाएगा। देखो ध्यान से देखना यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ये 4x है ठीक है, ये 4x स्क्वायर और ये x इधर आएगा तो माइनस का x स्क्वायर, फिर कितना है 4yz, ये y स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस y स्क्वायर और फिर कितना है 4z स्क्वायर और ये z स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का z स्क्वायर। अब यहां से मैं लिखूं तो माइनस का 24x और ये प्लस का 4x इधर आएगा तो माइनस का 4x फिर प्लस का 8y और ये माइनस 6y इधर आएगा तो प्लस का 6y ये प्लस का 16z और ये माइनस z 8z इधर आएगा तो प्लस का 8z फिर ये 36 तो ये 36 और ये 9 इधर आएगा तो माइनस का 9 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपको यहां से मिल जाएगी। अब इसको मैं सोल्व कर रहा हूं यहां पे 4x स्क्वायर में से माइनस x स्क्वायर जाएगा तो 3x स्क्वायर फिर ये भी 3y स्क्वायर और फिर 3z स्क्वायर। इसको देखो ये कितना 28 माइनस का 28x और ये कितना आपका 14 प्लस का 14y और ये कितना आपका 24 प्लस का 24z और ये कितना 27 प्लस का 27 इक्वल टू 0। ये पॉइंट पी की लोकस इक्वेशन आ जाएगी। चेक भी कर लेते हैं एक बार इसको भी, इसको मैं चेक करूं तो आपका जो 8th का 3x स्क्वायर प्लस 3yz y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर माइनस 28x प्लस 14y प्लस 24z प्लस 27 इक्वल टू 0। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर अपन नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं 9th के बारे में। तो देखो 9th क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करें तो सेम ही कंसेप्ट है, सेम ही सब कुछ चलेगा और करते हैं डिस्कस। देखो 9th के बारे में क्वेश्चन नंबर 9th के अंदर आपको गिवन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट, यानी एक पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है, इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, लोकस इक्वेशन पी फाइंड आउट करना है और इस कोऑर्डिनेट को मैं मान लेता हूं एक्स कोमा वाई कोमा जेड। कब कब हुज डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, हुज डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस यानी ये जो पॉइंट है वो कहां पे वाई एक्सिस से, यानी इस ये पॉइंट वाई एक्सिस पे, यहां से ये डिस्टेंस ये तो वाई एक्सिस पे ये पॉइंट है। देखो मैं 3D डायग्राम लूं तो यहां पे एक पॉइंट है आपका, ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है ये जेड, यहां पे एक पॉइंट है तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे तो एक्स की वैल्यू 0 वाई की वैल्यू वाई और जेड की वैल्यू भी 0 ठीक है ना, क्योंकि पॉइंट कहां पे वाई एक्सिस पे तो एक्स और जेड दोनों ही 0 होंगे ठीक है ना, तो ये जो कोऑर्डिनेट है वो 0 वाई और 0 ये लीजिए। उसके बाद में इज इक्वल टू यानी ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है इस यहां से डिस्टेंस
और यहां से डिस्टेंस, बी पॉइंट से डिस्टेंस दोनों इक्वल है, और ये बी पॉइंट कहां पे है, बी पॉइंट आपका टू इस डिस्टेंस 2, 1, -1 ये लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन क्या है, ये कंडीशन गिवन है कि PA इक्वल है PB के, ये आपको कंडीशन गिवन है। ठीक है, ये गिवन है, तो आपको इस P पॉइंट की लोकस इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, तो ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर लो। ये डिस्टेंस फाइंड आउट करें तो डिस्टेंस फॉर्मूला लिखा हुआ है वो रहा, बस वैल्यू पुट करना है। देखो ये x1 की वैल्यू, ये x2 की वैल्यू, ये y1 की वैल्यू, ये y2 की वैल्यू, ये z1 की वैल्यू, ये z2 की वैल्यू, तो मैं पुट करूं x1 माइनस x2 तो x माइनस जीरो, x माइनस जीरो का होल स्क्वायर, y माइनस y का होल स्क्वायर, फिर z माइनस जीरो का होल स्क्वायर, ये तो हो गई इसकी वैल्यू इक्वल टू रूट ऑफ, इसको सोल्व करूं तो x1 और ये x2, तो ये वैल्यू होगी x माइनस टू का होल स्क्वायर, फिर y1 और y2 तो y माइनस वन का होल स्क्वायर, फिर z1 और z2 तो ये वैल्यू होगी z माइनस, तो ये माइनस वन है तो प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है ना, इसको रफ्पी कर देता हूं, देखो इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब वो लाइन स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर करते रूट हट जाएगा, इसको रफ कर देता हूं मैं, देखिए इसका स्क्वायर करोगे और इसका स्क्वायर करोगे तो रूट तो हट जाएगा। ठीक है, तो आपकी जो रिमेनिंग वैल्यू है वो कितनी आएगी, x माइनस जीरो का होल स्क्वायर, y माइनस y का होल स्क्वायर, एक बार रूट ही हटा देते हैं, सोल्व बाद में करते हैं, और z माइनस जीरो का होल स्क्वायर, और इसका भी रूट हट जाएगा, x माइनस टू का होल स्क्वायर, y माइनस वन का होल स्क्वायर और z प्लस वन का होल स्क्वायर, x माइनस जीरो x इसका होल स्क्वायर, y माइनस y जीरो जीरो का होल स्क्वायर जीरो, z माइनस जीरो तो z का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको मैं ओपन करूं तो x स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर फोर, माइनस टू इंटू दोनों का मल्टीप्लाई यानी फोर एक्स, प्लस y स्क्वायर वन का स्क्वायर वन, माइनस टू इंटू वाई, प्लस जेड स्क्वायर प्लस वन माइनस टू जेड, ये वैल्यू लीजिए। इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल आउट, इधर तो जीरो बचा, और यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं कि वाई स्क्वायर फिर जेड स्क्वायर कैंसिल आउट, और माइनस का फोर एक्स, माइनस का टू वाई, और ये फोर, ये फाइव और ये सिक्स, यानी प्लस का सिक्स इक्वल टू जीरो, ये पॉइंट पी की लोकस की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है ना, आप नोट डाउन करिए इसको, आ रहा है क्या, वाई स्क्वायर माइनस टू वाई, ठीक है, टू वाई माइनस फोर एक्स, जेड जेड को भूल दिया ना, यानी माइनस का प्लस का, प्लस का जेड आ रहा है, प्लस का जेड, ये यहीं पे मिस्टेक होगी ना। देखो इसको ओपन करोगे तो ये प्लस आएगा ना, और ये जो वैल्यू यहां पे आएगा आपका प्लस का टू जेड और प्लस का सिक्स इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन मिलेगी आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन करो इसको, और करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर टेन के बारे में। देखो क्वेश्चन नंबर टेन में आपको गिवन है, सेम ही क्वेश्चन कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस पॉइंट, क्वेश्चन नंबर टेन, यानी एक पॉइंट गिवन है P जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ठीक है, हु इज द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वाई प्लेन, यानी एक एक पॉइंट है वो कहां पे, एक्स वाई प्लेन पे। अब ध्यान से देखो कि मान लीजिए मैं थ्री डी डायग्राम लू, तो ये आपका 3D एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, एक पॉइंट है इन दोनों प्लेन के बीच में यहां पे,
तो ये कोऑर्डिनेट होगा और ये कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। इस कोऑर्डिनेट यानी ये जो लेंथ है वो कितनी है आपकी एक्स, और ये जो लेंथ है वो कितनी है इस वाई की इक्वल। लेकिन ये जो दोनों कोऑर्डिनेट है इसी के अंदर है, यानी जो प्लेन है एक्स और वाई इसी के अंदर है, तो एक्स वाई प्लेन के अंदर वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो इसको मैं यहां पे पुट करूंगा एक्स कॉमा वाई कॉमा जीरो, एक तो ये इज इक्वल टू इट्स डिस्टेंस, और ये पॉइंट आपको और गिवन है कि ये जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के इक्वल है। ये पॉइंट कितना है, माइनस वन टू और माइनस थ्री के इक्वल है। यानी क्वेश्चन की थीम क्या है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, ये पॉइंट कैसे है वो आपको मैंने बता दिया है। अब अपन फाइंड आउट करें डिस्टेंस फॉर्मूले से इस डिस्टेंस को। तो क्वेश्चन में सबसे पहले आपको जो कंडीशन गिवन है वो PA डिस्टेंस किसकी इक्वल है, PB डिस्टेंस की इक्वल है। तो सबसे पहले PA की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और फिर PA क्या वैल्यू फाइंड आउट करके यहां पे पुट कर दो, या मैं डायरेक्ट इस PA की वैल्यू यहीं से फाइंड आउट करूं तो आपकी वैल्यू होगी वो देखिए, ये x1 की वैल्यू, ये x2 की वैल्यू, ये y1 की वैल्यू, ये y2 की वैल्यू, ये z1 की वैल्यू, ये z2 की वैल्यू। तो x माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला। फिर y1 माइनस y2, दोनों की वैल्यू y है तो y माइनस y का होल स्क्वायर। फिर z1 माइनस z2 की वैल्यू, और इसकी z2 की वैल्यू जीरो, इक्वल टू रूट ऑफ इसकी वैल्यू में फाइंड आउट करूं तो x1 और x2, यानी x माइनस माइनस वन है तो प्लस वन का होल स्क्वायर। फिर y माइनस टू का होल स्क्वायर, फिर z माइनस माइनस थ्री है तो प्लस थ्री का होल स्क्वायर। ये आपकी वैल्यू यहां से हो जाएगी। अब इस रूट और इस रूट को मैं हटाऊं तो इसको क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करूं तो रूट हट जाएगा। रूट हटते ही आपकी जो वैल्यू है वो देखिए क्या आएगी, एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर, वाई माइनस वाई का होल स्क्वायर और जेड माइनस जीरो का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, वाई माइनस टू का होल स्क्वायर और जेड माइनस प्लस थ्री का होल स्क्वायर। एक्स माइनस एक्स कितना आपका जीरो का होल स्क्वायर जीरो, वाई माइनस वाई कितना जीरो, जीरो का होल स्क्वायर जीरो और जेड माइनस जीरो कितना जेड और इसका स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू, इसको ओपन करें अपन तो एक्स स्क्वायर वन का स्क्वायर वन माइनस प्लस टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर और टू का स्क्वायर कितना फोर और माइनस फोर वाई प्लस जेड स्क्वायर थ्री का स्क्वायर नाइन और प्लस सिक्स जेड। ये वैल्यू लीजिए, यहां से जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल आउट। अब यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस फोर वाई और प्लस का सिक्स जेड और ये देखिए नाइन टेन और फोर फोर्टीन प्लस का फोर्टीन और इक्वल टू इधर कितना है आपका जीरो। ये पॉइंट पी की लोकस इक्वेशन आ जाएगी, ऐसे आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है भाई, समझ गए होंगे। तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नाइन्थ यानी एट्थ नाइन्थ और टेंथ, तीनों में इक्वल डिस्टेंस, यानी एक एक में ट्वाइस वाला केस दिया हुआ था और दोनों में ये वाला केस आपको गिवन, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर टेन, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इलेवन तो पर नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।